दृष्टि आईएएस ऑडियो बुक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। यह जो बुक है वह है भारतीय संविधान। तो इस बुक का जो टॉपिक है भारत की राज्य व्यवस्था, जिसमें हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा पर आज इस ऑडियो आर्टिकल में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। संविधान क्या है? What is Constitution? संविधान नियमों उपनियमों का एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकार का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। संविधान राज्य की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना, उनकी शक्तियों तथा दायित्वों का सीमांकन एवं जनता तथा राज्य के मध्य संबंधों का विनियमन करता है। प्रत्येक संविधान उस देश के आदर्शों, उद्देश्यों व मूल्यों का दर्पण होता है। संवैधानिक विधि देश की सर्वोच्च विधि होती है तथा सभी अन्य विधियां इसी पर आधारित होती हैं। संविधान एक जड़ दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह निरंतर पनपता रहता है। वर्षों से चली आ रही परंपराएं भी देश के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। संविधान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि कानून कौन बनाएगा। यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। यह मानव समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी तथा सरकार का निर्माण कैसे होगा निर्धारित करता है। संविधान समाज की आकांक्षाओं एवं लक्ष्यों को अभिव्यक्त करता है एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण को सुनिश्चित करता है। न्यूनतम समन्वय व आपसी विश्वास हेतु यह आवश्यक होता है। यह समाज को बुनियादी पहचान प्रदान करता है। संविधान राज्य व्यवस्था के तीन प्रमुख अंगों, कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका की स्थापना करता है तथा उनकी शक्तियों एवं अधिकारों को परिभाषित करता है। यह राज्य के अंगों के अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। संविधान एक आईना है जिसमें उस देश के भूत, वर्तमान और भविष्य की झलक मिलती है। संविधान और राज्य व्यवस्था के अनेक उपादान ब्रिटिश शासन से ग्रहण किए गए हैं। ब्रिटिशों द्वारा समय समय पर लाए गए अधिनियमों ने भारतीय सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा या ढांचे को तैयार किया है। संवैधानिक विकास के चरण, स्टेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। भारत का संवैधानिक विकास जो है वह दो तरीके से हुआ है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, यानी कि 1773 से 1853 के बीच जो भी अधिनियम आए हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, उनको इसमें हम पढ़ेंगे। और दूसरा जो होता है वह है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों द्वारा, यानी कि 1858 से 1947 तक जो अधिनियम आए हैं इनको हम, इनमें समन्वय बनाकर इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो है वह एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें था सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि नियामक अधिनियम 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इसके अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल व 4 सदस्य वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में की गई, जिसके अंतर्गत
बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजाह इम्पे को इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया तथा चेम्बर्स लिमेस्टर एवं हाइड को अन्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उनकी परिषद, जिसमें 4 सदस्य होते थे, उसको कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के तहत बनने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से उपहार या रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया। कंपनी पर ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी उसका नियंत्रण बढ़ा दिया गया और अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना सुनिश्चित किया गया। अब जो अगला एक्ट था वह था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, है ना, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, 1781 का सेटलमेंट अधिनियम। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से यह एक्ट लाया गया था। इसके तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण की शक्ति प्रदान की गई। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच संबंधों का सीमांकन करना था। इस अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी गई कि वह कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता है जो उन्होंने एक सरकारी अधिकारी की हैसियत से की हो, अर्थात कंपनी के अधिकारी शासकीय रूप से किए गए अपने कार्य के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर हो गए। न्यायालय की अपनी आज्ञाएं तथा आदेश लागू करते समय सरकार को कानून बनाने तथा उसका क्रियान्वयन करते समय भारत के सामाजिक, धार्मिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश दिया गया। अगला जो अधिनियम था वह था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता यह थी कि निदेशक मंडल यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण यानी कि मॉनिटरिंग की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई। यह अधिनियम 2 प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। साथ ही मद्रास तथा बंबई की सरकारों को पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया व कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर यह एकाधिकार बरकरार रखा गया। कुछ सीमाओं के तहत भारत के साथ व्यापार करने हेतु सभी ब्रिटिश वासियों के लिए मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। भारत में शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष रुपये 1,00,000 खर्च करने का प्रावधान भी किया गया।
इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। अगला जो अधिनियम था वह था चार्टर अधिनियम 1833। इस अधिनियम के निर्माण का प्रमुख ध्येय ब्रिटिश सरकार द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को तथा विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था। इसके तहत प्रमुख परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तथा गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान की गई। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानूनों के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। अभी तक गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य होते थे, किंतु विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व से के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया व इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। इस एक्ट के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, जाति, वंश, रंग या जन्म स्थान के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वह योग्य हो वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण यह प्रावधान लागू नहीं हो सका। भारत में दास प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि भारत में दास प्रथा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान संविधान निर्माण के प्रथम संकेत इस एक्ट में मिलते हैं। अगला जो अधिनियम था वह था चार्टर अधिनियम 1853। इसका निर्माण तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए तथा उसके विस्तार में सहयोग देने के लिए किया गया था। इसके प्रमुख लक्षण थे, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यीय, जो कि 6 सदस्यीय थी गवर्नर जनरल की परिषद, उसके विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत गवर्नर जनरल की परिषद में जब वह विधायिका के रूप में कार्यरत हो जब गवर्नर जनरल की परिषद विधायिका के रूप में कार्यरत हो तो 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई, जिससे विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या बढ़कर 6 से अब 12 हो गई। इन 6 नए सदस्यों में बंगाल के मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का 1 न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई एवं आगरा प्रांत के 1-1 प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई और इस परिषद ने आगे चलकर लघु संसद का रूप ग्रहण कर लिया। इसने निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी। इसके द्वारा भारतीय यानी कि केंद्रीय विधान परिषद में सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा
प्रमुख सरकारी सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की व्यवस्था की गई और पहली बार सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने का प्रावधान किया गया। अब ये जो अधिनियम थे हमने पढ़ लिए, अब इसके बाद जिस अधिनियम की हम बात करेंगे वह है 1858 का अधिनियम, जो कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियमों में पहला अधिनियम था। इसके पहले के जो अधिनियम थे वह कंपनी के द्वारा पारित किए गए अधिनियम थे, लेकिन अब जो हम अधिनियम पढ़ेंगे वह है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम, एक्ट्स पास्ड अंडर द ब्रिटिश क्राउन, जिसमें सबसे पहला था भारत शासन अधिनियम 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1857 की क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए जो निम्नलिखित हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंपे गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के उस सदस्य को भारत राज्य सचिव यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद प्रदान किया गया। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया, जिसके सदस्यों जिसमें भारत सचिव सहित को वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। इस अधिनियम के तहत यह भी व्यवस्था की गई थी कि इन सदस्यों में से कम आधे ऐसे सदस्य हों जो भारत में 10 वर्ष तक सेवा दे चुके हो और नियुक्ति के समय उन्हें भारत से आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हो। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत का राज्य सचिव अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई तथा वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। गवर्नर जनरल को द वायसराय ऑफ इंडिया का पदनाम भी दिया गया। वह प्रतिवर्ष भारत की नैतिक एवं आर्थिक प्रगति की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत करता था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। एक, इस अधिनियम द्वारा कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसमें 3 सदस्य प्रशासनिक सेवा के होते थे, जिनको भारत में रहने का 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक था। शेष 2 सदस्यों में से एक को 5 वर्ष विधि संबंधी अनुभव प्राप्त होना आवश्यक था। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। इसमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में कार्य करती थी। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। इस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को
कानून बनाने की शक्ति वापस देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की। इसी क्रम में हम अगले अधिनियम को पढ़ेंगे जो कि है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य यानी कि गैर सरकारी सदस्यों सहित निर्धारित किए गए। गवर्नर जनरल को उनको नामांकित करने के नियम बनाने का प्राधिकार प्राप्त था। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए किसी भी प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के अप्रत्यक्ष एवं सीमित चुनावी प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 के अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ था। इसमें एक नोट है जिसमें भारतीय परिषद अधिनियम 1892 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 से 1891 तक के अधिवेशनों में स्वीकार किए गए प्रस्तावों से प्रभावित होकर पारित किया गया था। अगला अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। इस अधिनियम द्वारा परिषदों व उनके कार्य क्षेत्रों का अधिक विस्तार किया गया और उन्हें प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बनाने के लिए उपाय किए गए। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे जो कि विधि सदस्य के रूप में उसमें शामिल हुए थे। विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। सदस्यों को सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने प्रस्ताव पारित करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके तहत जाति वर्ग धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई जिसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चेंबर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय तथा जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि मॉन्टेगू भारत के राज्य सचिव व चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रमुख प्रावधान इस अधिनियम के थे, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा थी। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से होता था। आरक्षित विषय यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट्स, जो कि रक्षा, विदेश मामले, वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि आरक्षित विषयों का संचालन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के माध्यम से किया जाता था। विधान परिषद में 3 प्रकार के सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिसमें निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड, मनोनीत सरकारी यानी कि नॉमिनेटेड गवर्नमेंटल, मनोनीत गैर सरकारी यानी कि नॉमिनेटेड नॉन गवर्नमेंटल, 3 तरह के सदस्य थे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या लगभग 71%, मनोनीत सरकारी सदस्यों की संख्या लगभग 18% तथा मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 11% रखी गई थी। सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। निर्वाचक क्षेत्रों को 2 भागों में विभाजित किया गया, सामान्य तथा विशिष्ट। सामान्य वर्ग में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख आदि, जबकि विशिष्ट वर्ग में भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व निर्धारित किया गया। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। प्रांतीय विधानमंडल को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, परंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित थे। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यह नियमित भारतीयों की आकांक्षाओं की पूर्ति करने में असफल रहा। यह वास्तव में भारत के आर्थिक शोषण करने और उसे लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के उद्देश्य से लाया गया था। साइमन कमीशन, जो कि 1927-28 में बना और 28 में भारत आया, 1919 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी, जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के बाद की जानी चाहिए थी, लेकिन ब्रिटेन की तत्कालीन कंजर्वेटिव सरकार ने 2 वर्ष पूर्व ही साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में ही कर दी, क्योंकि उसे आशंका थी कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार भारत समर्थक सदस्यों वाले वैधानिक आयोग की नियुक्ति कर सकती है। साइमन आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केन हेड ने की थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों का अंग्रेज होना ही विरोध का कारण बना, इसलिए इसे श्वेत कमीशन कहकर इसका बहिष्कार किया गया। जहां जहां आयोग गया, वहां वहां साइमन गो बैक का नारा दिया गया।
और देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। वर्ष 1928 से 29 के बीच साइमन कमीशन ने भारत की दो बार यात्रा की। आयोग ने मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में विचार होना था। दोस्तों, इसी क्रम में हम अगले और महत्वपूर्ण अधिनियम की बात करें तो वह था भारत शासन अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1930 से 32 के बीच में लंदन में हुए तीन गोलमेज सम्मेलनों में संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के फलस्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई। संघ की दो इकाइयां थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना अर्थात केंद्र तथा राज्य इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया, जो कि तीन सूचियों के अंतर्गत थी, संघ सूची, प्रांत सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय, प्रांत सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे किए गए तथा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। संघीय सूची में विदेशी कार्य, मुद्रा, नौसेना, थल सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। प्रांतीय सूची में पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची में दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि सम्मिलित थे। प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो अंतिम न्यायालय नहीं था, अंतिम अपीलीय न्यायालय प्रिवी काउंसिल था। बर्मा, वर्तमान जिसका नाम म्यांमार, को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। प्रांतीय विधानमंडलों का विस्तार किया गया। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों में दो सदनों की व्यवस्था की गई। 6 प्रांत कौन कौन से थे, जैसे कि असम, बंगाल, बिहार, बंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत। इसके अंतर्गत मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसने दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार प्राप्त हुआ। इसने न केवल फेडरल लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी स्थापना की। 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इसके प्रावधानों के आधार पर 1937 में चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 स्थानों पर पूर्ण बहुमत, असम तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक मिशन था, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के समय अपने लिए भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करना था। चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जो कि एकल प्रतिनिधि था। इसमें जो था वह सिंगल मेंबर ही था। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं अधोलिखित थी। क्रिप्स ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश नीति का उद्देश्य है जितनी जल्द संभव हो सके भारत में
स्वशासन की स्थापना अर्थात युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा और उसे राष्ट्रकुल से अलग होने का अधिकार भी होगा। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। संविधान सभा द्वारा निर्मित किए गए संविधान को सरकार दो शर्तों पर ही लागू कर सकेगी। जो प्रांत इससे सहमत नहीं होंगे वे इसे अस्वीकार कर पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं या फिर वे पूर्णतया स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तब भी ब्रिटिश सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। पाकिस्तान की मांग के लिए इस व्यवस्था के तहत गुंजाइश बनाई गई। भारतीय संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य अल्पसंख्यकों के हितों यथा सुरक्षा, आश्वासन, प्रतिनिधित्व, विकास आदि को लेकर एक समझौता होगा। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। अंततः क्रिप्स की भारतीय नेताओं से बातचीत असफल हो गई क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की जगह डोमिनियन स्टेटस संविधान सभा में रियासतों के शासकों द्वारा नामांकित लोगों की मौजूदगी तथा भारत के संभावित विभाजन पर कड़ी आपत्ति थी। कैबिनेट मिशन 1946। भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के तीन सदस्य थे, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्सेंडर। मिशन की मुख्य बातें निम्नलिखित थी, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, विदेश, रक्षा और संचार विभाग संचार संघ के अधीन होंगे और संघ को इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका होगी जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दोस्तों, इसी क्रम में हम अगले अधिनियम की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित थी, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार उसको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। भारत सचिव का पद समाप्त कर उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की संप्रभुता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। दोस्तों, बाल्कन प्लान, जिसे हम डिकी बर्ड प्लान या इस्मा प्लान 1947 भी कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना जनरल सर हेस्टिंग्स इस्मा, सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना या इस्मा प्लान भी कहा जाता है। इस योजना में यह प्रावधान था कि सत्ता का हस्तांतरण पृथक पृथक प्रांतों को किया जाए या सत्ता हस्तांतरण से पहले यदि परिसंघ का गठन हो जाए तो उसके साथ ही इसमें यह प्रावधान भी था कि
बंगाल एवं पंजाब को यह विकल्प दिया जाए कि वे अपने बंटवारे के लिए जनमत संग्रह का सहारा ले सकते हैं। इस प्रकार देसी रियासतों के साथ विभिन्न समूहों को यह छूट होगी कि वे भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी, अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946। जवाहरलाल नेहरू इसमें राष्ट्रमंडल संबंधी तथा विदेशी मामले इनके पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। सरदार बलदेव सिंह के पास रक्षा विभाग था। जॉन मथाई के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम के पास श्रम संबंधी विभाग था। सी एच भाभा के पास कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग था। आसफ अली के पास रेलवे एवं परिवहन विभाग था। सी राज गोपालचारी के पास शिक्षा एवं कला विभाग था। आई चुंदरीगर के पास वाणिज्य विभाग था। लियाकत अली खां के पास वित्त विभाग था। अब्दुल रब निस्तार के पास डाक एवं वायु विभाग था। गजाफर अली खान के पास स्वास्थ्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल के पास विधि विभाग था। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू परिषद के उपाध्यक्ष थे। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो कि 1947 में गठित किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक शोध, राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों के विभाग को सौंपा गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले इनको सौंपे गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा विभाग सौंपा गया। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया। आर के षणमुखम चेट्टी को वित्त विभाग दिया गया। जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि विभाग दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर को स्वास्थ्य विभाग। सी एच भाभा को वाणिज्य विभाग। रफ़ी अहमद किदवई को संचार विभाग। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग। वी एन गॉडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया था। दोस्तों, यह जो था हमारे संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो थी, उसको हमने इसमें बात की। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको एक नज़र में हम रिवाइज करेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा। इसमें क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनेल कर्टिस माने जाते हैं। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती यानी कि ली आयोग की सिफारिश पर के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1927 की साइमन की रिपोर्ट और 1928 की नेहरू समिति की रिपोर्ट ने भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई।
भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था या स्थापना वर्ष 1937 में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के सभी राजनीतिक दलों से विचार विमर्श के पश्चात 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति हुई और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को हस्तांतरित कर दी गईं। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजा गोपालचारी थे, जो कि 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। दोस्तों, यह था हमारा जो संविधान, भारतीय संविधान की विकास यात्रा, इस टाइटल से यह हमारा ऑडियो आर्टिकल था जिसमें हमने कवर किया है। और यह जो ऑडियो आर्टिकल है वह सभी एक दिवसीय परीक्षाएं UPPCS और UPSC प्रीलिम्स तक कवर करने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल लक्ष्य द एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।